अलूणा व्रत चैत्र वद सुद थी वद सातम सुधी थतु आ व्रत व्रतनी विधि तथा व्रतनी वार्ता सांभळो दृष्टि पटेल साथे सनातन संदेश ना माध्यम थी। व्रतनी विधि आ व्रत चैत्र सुद बीज थी वद सातम सुधी थाय छे। व्रत करनारे सवारे वहला उठी नहावानू, पछी महादेव जीनी पूजा करवानी, पछी कथा वार्ता सांभळवानी। आ व्रत मां व्रत करनार थी मीठू खवाय नहीं। व्रत करनारे ओखा हरण वाचो। व्रतनी विधि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मां। व्रतनी वार्ता। एक वार भोळानाथ शिवजीए पार्वतीजी ने कह्यू, देवी हूँ तप करवा जईश। भगवाननी वात सांभळी पार्वतीजी बोल्या, प्रभु आप तप करवा जशो पछी हूँ अहींया एकली थई जईश, अने आप तो वर्षोना वर्षो तप करो छो, तेथी एकलपणू क्यां सुधी निभावू? आप मने पुत्र थाय तेवू वरदान आपो। महादेवजीए पार्वतीजीनी वात सांभळी कह्यू, ठीक छे देवी, तमे तमारी इच्छा शक्ति थी बे बाळको उत्पन्न करजो, जेथी तमारू एकलवायापणू पण टळशे अने आनंदपूर्वक दिवसो पण जता रहेशे। आम कही महादेवजी तप करवा चाल्या गया। महादेवजीना कहेवाथी मां पार्वतीजीए पोतानी इच्छा शक्ति थी एक पुत्र गणेश अने एक पुत्री उत्पन्न कर्या। जमणी कूकेथी गणपतिजीने प्रगट कर्या अने डाबी कूकेथी ओखाने प्रगट करी। हवे पार्वतीजीने एकलवायु लागतुं नथी। आम घणो समय पसार थयो, बे बाळको मोटा थवा लाग्या। एवामां एक दिवस नारद मुनि फरता फरता त्यां आवी चढ्या। तेणे जोयुं के बे बाळको रमे छे। नारद मुनि तो सीधा भगवान शंकर ज्यां तप करता हता त्यां आव्या अने भगवानने कह्युं, महाराज आप अहीं तप करो छो ने तमारे घेर तो सरस मजाना बे बाळको, एक पुत्र अने एक पुत्री रमे छे। आटलू कही ने नारदजी चालता थया। भगवान शंकरे पार्वतीजी ने कहेलू ते भूली गया अने एकदम क्रोध भर्या घरे आव्या। जोयू तो बे बाळको रमे छे। जेवा भगवान शंकर घर में गया के गणपतिजीए तेमने रोक्या अने बोल्या, ए बाबाजी आम क्या चाल्या? शंकर भगवान नो आवो चित्र विचित्र पहेरवेश जोई गणपतिजी ने लाग्यू के आ कोई बावो छे, एटले एमने रोक्या। अत्यारे माताजी अंदर स्नान करवा बैठा छे, एटले तमाराथी अंदर नहीं जवाय। गणपतिजीए ज्यां अंदर आवानी ना कही अने भगवान अत्यंत क्रोधे भराया, ते गणपतिजी ने मारवा दौड़िया। पण आ तो गणपतिजी एम कहीं पकड़ाई जाए। एमणे पण भगवान सामे युद्ध कर्युं। आम पिता पुत्र वच्चे भयंकर युद्ध थयुं। आ युद्ध जोई ओखा गभराई गई। तेने घरमां जई मीठानी कोथळी पाछळ संताई गई। युद्ध बराबर जाम्युं। गणपतिजी महाराज केम करताय खसता नथी? आखरे भगवान शंकरे त्रिशूळ फेंक्यू ने गणपतिनुं मस्तक छेदी काढ्युं। पछी घरमां गया। भगवानने अंदर अचानक आवेला जोई मां पार्वतीजीए कह्युं, हूँ स्नान करूँ छूं, आप अंदर आव्या? बहार छोकराओए तमने रोक्या नहीं? भगवाने कह्युं, देवी छोकरा कोना छे अने आपे मारी गैरहाजरीमां आ शुं कर्युं? भगवाननी वात सांभळी माताजी बोल्या, केम, आपे तो कह्युं हतुं के बे बाळको प्रगट करजो, तेथी ज बे बाळको प्रगट कर्या। केम महाराज, भूली गया के शुं? आप अंदर आवी गया छो तो बाळको क्यां छे? भगवानने याद आव्युं के पोते ज पार्वतीजीने कहेलुं के एकलापणु दूर करवा बे बाळको प्रगट करजो। अररे आ तो अनर्थ थई गयुं। पेलो नारद, देवी मारा मनमां शंका थई तेथी मैं पुत्रनुं मस्तक छेदी नाख्युं, वळी ते मने अंदर पण नहोतो आवा देतो। पार्वतीजी कहे स्नान करवानुं हतुं, तेथी मैं ज आज्ञा करी हती कि कोईने पण अंदर नहीं आवा देता। महाराज आपे विचार्या वगर आवुं कार्य कर्युं, पोताना ज पुत्रनुं मस्तक छेदी नाख्युं, अरे रे हवे शुं करूं? माँ पार्वतीजी विलाप करवा लाग्या। माताजीने विलाप करता जोई महादेवजीए कह्युं,
देवी चिंता न करो, हूँ जाऊँ छू अने प्रथम मने जे रस्ता में मळशे तेनु मस्तक लावी ते मस्तक हूँ गणपतिना धड़ पर बेसाड़ी सजीवन करूँ छू। शंकर भगवान रस्ते चाल्या एवामां सामेथी ज एक हाथी मळ्यो। महादेवजीए हाथीनु मस्तक छेदी गणपतिना धड़ उपर हाथीनु मस्तक बेसाड़ी दीधुं अने गणपतिने सजीवन कर्या। पुत्रनु माथुं हाथीनु जोईने पार्वतीजीने घणुं दुःख थयुं। भगवान भोळानाथे कह्युं, देवी शांत थाओ, तमारा पुत्रनु मस्तक भले हाथीनुं होय, तेनो देखाव भले बेडोळ होय, पण हूँ वरदान आपुं छुं कि आ बाळक अति तीव्र बुद्धि ज्ञान अने गुणोंनो भंडार थशे अने कोईपण शुभ कार्य करती वखते त्रणेय लोकना वासी पहला गणपतिनी स्थापना करशे। तमारा पुत्रनी स्थापना पहली कर्या सिवाय जो कोई कार्य आरंभ थशे तो तेमां घणा विघ्नो नड़शे अने ए कार्य कदी सफल नहीं थाय। आ पछी पार्वतीजीने थयुं के आटलू बधुं थयुं त्यारे ओखाए मने खबर केम न आपी अने ते अत्यारे क्यां छे। आम विचारी पार्वतीए ओखाने मोटा अवाजे बोलावी। मीठानी कोठी पाछळथी ध्रुजती ध्रुजती ओखा सामे आवी ऊभी रही अने माताजीने कह्युं, माँ हूँ गभराई गई हती, तेथी मीठानी कोठी पाछळ संताई गई हती। ओखानी वात सांभळी पार्वतीजीने क्रोध आव्यो। ते बोल्या, तने तारा भाईना जीव करता पण तारो जीव वधारे वहालो लाग्यो, मने खबर पण न आपी अने संताई गई। जा, तारू आखू शरीर मीठामां ओगळी जशे અને તારો જન્મ રાક્ષસ કુળમાં થશે। ઓખા તો રડવા લાગી, માતાજીને કહેવા લાગી, માં મારી ભૂલ થઈ ગઈ, મને માફ કરો। ભગવાને પાર્વતીજીને કહ્યું, બાળક બુદ્ધિમાં આમ થયું છે, બીકના લીધે ઓખા સંતાઈ ગઈ, માટે તેના શાપનું નિવારણ તમે જ બતાવો। માતાજીને પણ દુઃખ થયું। પછી તેમણે કહ્યું, બેટા મારો શાપ મિથ્યા થશે નહીં, માટે તારે ભોગવવો જ રહ્યું। જા, હું વરદાન આપું છું કે તું રાક્ષસ કુળમાં જન્મીશ, પણ તારા લગ્ન દેવકુમાર સાથે થશે અને આ ચૈત્ર માસ ચાલે છે। આ ચૈત્ર માસમાં જે કોઈ મીઠા વગરનું ભોજન કરી અલુણા વ્રત કરશે તે નિરોગી થશે અને જે તારું ચરિત્ર ગાશે તેઓ લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી શિવલોક પામશે। પછી તો માતાજીના શાપને લઈ ઓખા મીઠામાં ઓગળી ગઈ। બાણાસુરના રાક્ષસને ત્યાં તેનો જન્મ થયો। મોટી થતાં પ્રધાન પુત્રી ચિત્રલેખાની મદદથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પૌત્ર અનિરુદ્ધ સાથે તેમના લગ્ન થયા। આમ અનિરુદ્ધ સાથે આનંદમાં જીવન વિતાવી અંતે શિવલોક પામ્યા। હે માં પાર્વતી, આપ જેવા સર્વેને સુખી કર્યા તેવા અલુણા વ્રત કરનારને ફળજો, સુખી કરજો, સૌભાગ્ય આપજો। આવી અનેક રસપ્રદ કથા વાર્તા સાંભળવા ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકનને ખાસ ક્લિક કરો।